नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं संत नगर एरिया में, जो कि गांव कौन सा बताया, आरनी खुर्द। तो यहां एक जो कि 17-18 साल की गुड़िया थी, उसका नाम क्या बताया, गायत्री। तो गायत्री को एक सांप ने बाइट कर लिया, तो कोबरा सांप बताया गया है। तो उसकी डेथ हो चुकी है लड़की की, क्योंकि यहाँ झाड़फूँक के चक्रों में उन्होंने लगभग 1.5-2 घंटा यहाँ खराब किया। आप वहाँ जाके उस लड़की की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है, तो अभी उसकी डेड बॉडी यहाँ तक पहुँची नहीं है। और हम यहाँ सांप रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, जो कि लक्ष्मी जी हैं, जो कि डॉक्टरी का जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारे पास कॉल किया और हम मौके पहुँच चुके हैं। उस सांप को हम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों कहाँ वो सांप मिले और उसको हम रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो देखिए दोस्तों, ये सांप हमें दिखाई दे गया, क्योंकि ये इंडियन सेप्टिकल कोबरा सांप है, जो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी खतरनाक सांप है। और देखिए दोस्तों, ये ब्राउन कोबरा सांप है, जो कि इंडिया का खतरनाक सांप है। बाहर ले पकड़ लिया। और जब भी ऐसा सांप बाइट करे तो आप किसी झाड़फूँक के चक्रों में ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक सांप है, क्योंकि इसी सांप ने एक लड़की की जो कि जान ले ली है। तो देखिए दोस्तों, ये विष से भरा हुआ एक कोबरा सांप है, और जब भी ऐसा सांप ये बाइट करता है तो आप किसी झाड़फूँक के चक्रों में ना पड़े और आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगे उसमें अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपकी जान बचाई जा सके। अगर झाड़फूँक के चक्रों में अपना उठ जाया करोगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि एक दुखदायक घटना यहाँ हो चुकी है, जो कि 17-18 साल की जो कि गुड़िया थी, उसकी मृत्यु हो गई है। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि जब भी किसी की सांप बाइट से अगर किसी की मृत्यु होती है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कि अगर किसी को पोस्टमार्टम जिसका करवाया जाए, तो उससे जो कि क्लेम मिलता है, लगभग 5-6 लाख रुपए क्लेम मिलता है। जो भी गरीब घर का सदस्य हो किसी का, तो उसका कुछ हेल्प हो जाती है।
तो देखिए दोस्तों, इसने अपना जो कि पूरा विष था लगभग गुड़िया में उसकी बॉडी में छोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर विष बहुत ही कम है। देखिए ये बाइट कर रहा है बार बार, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्योंकि विष होता है, और अब ये विष इसके अंदर बहुत ही कम है, क्योंकि इसने काफ़ी मात्रा में गुड़िया के अंदर अपना विष छोड़ दिया था। तो देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि घरों के अंदर आप कूड़ा करकट है जो कि इकट्ठा ना करें, क्योंकि कूड़े करकट इकट्ठा होने के कारण ही या जो कि सांप वगैरह आ जाते हैं या चूहे होते हैं, तो ये अपने भोजन की तलाश में यहाँ भटकते हुए जो कि आ जाते हैं घरों के अंदर। तो उसी प्रकार जब भी हमारा कोई हाथ या पैर इस सांप की तरफ जाता है, तो ये अपना शिकार समझ के उसे बाइट कर लेता है। इसे नहीं पता होता कि किसी इंसान को बाइट करने से किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आप ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि इन सांपों के साथ छेड़छाड़ करना एक आपने मौत को जोड़ो है। देखो जी, जोड़ो तो मैं देख लिया ऐप को, ठीक है, एक मिल गया 100% सांप बाइट कर। दांत है जी, दांत तो वही है, दांत को टूटा है जी। देखो अपनो जेर है जो शरीर में छोड़ते हैं, ठीक है, आधा आधा इंच पर गैप बनाओ, मान ले दो निशान बनागा, ठीक है, तो वो जेर छोड़ दो अपनो, तो वो जेर ही काम करना। मान ले थे अठा जितनो टाइम अठा गुआएगा नहीं, तो बिना कारण भी गुड़िया की मौत हुई है। जय मान ले जब भी वो सांप इसको खा जाए, तो जितना जल्दी उसका सिविल हॉस्पिटल में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में जाओगा तो भी जान बच जाएगी। जैठे मेड़ी माड़ी पर ले बैठे रहे तो भी मरेगा। माना भी सांप खावा है तो मैं सिविल हॉस्पिटल में नाश्ता, डेढ़ घंटा लग गया जी, देखो डेढ़ घंटा, मान लो 45 मिनट का टाइम होता है, 45 मिनट में अपने बॉडी से पूरा इंदा जेर चल जाता है। हां जी, तो गुड़िया नु कटे है ना, हां जी, मैं ही सामने शिविर उन लोगों को कहता सी काला ना गएगा, ठीक है जी, काला ही है, काला ही है जी, काला ही है, हां है, थोड़ा बच्चा ही है, लगभग 8-9 महीने का बच्चा है जी, ले लो 8-9 महीने का, ठीक है, वो लगभग 8-9 महीना हुआ है। अब वो दूसरो साउंड आ गयो, यानी एक साल को हो जाए वो, अब साउंड बाद हुआ का मैं ये बच्चा निकलांगा, तो साउंड बाद हुआ मैं एक साल को सांप, तो एक ये जितनो भी छोटो सांप बार बार काटा तो ज्यादा छोटा, तीन बार देखो जी, आज मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा नंबर नोट कर लियो, ठीक है, जब भी की जरूरत पड़े हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक बाय सादे वाल्मीकि के नाम, और जब भी की जरूरत पड़े कि ना सांप खाएगा मैं आपको तुरंत फोन करो, जो कोई थे सांप। एक बार हम थोड़ा और चेक कर लेते हैं कि यहाँ सांप और भी हो सकता है कि इनका दावा है कि यहाँ सांप, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ हैं लक्ष्मी जी, तो ये भी कुछ बताना चाहते हैं अपने गाँव वासियों को, समझाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी आप बताइए। नमस्कार सभी बहन भाइयों को, मेरा ये मैसेज है सबको कि आज ये छोटा सा भाई है, एक ही भाई है घर में, बहुत ज़्यादा गरीब घर है, इनकी एक ही बहन थी जो ढंग से काम कर सकती थी, आज उसको इस सांप ने काट लिया, ये सर ने आज रेस्क्यू किया है। सर को मैंने फ़ोन करके बुलाया था कि सर यहाँ पे सांप आ गया और लड़की को काट दिया, 5 बजे सांप काटा और कोई मदद के लिए नहीं था, मैं दूसरे गांव में थी दलवाड़ा खुर्द में और वो हारनी में थे, तो मुझे जब पता चला तब तक टाइम निकल चुका था और वो झाड़पूछ के चक्कर में पड़े रहे, झाड़पूछ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधा हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए और सांप का जो ट्रीटमेंट है वो सही से लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो बच्चा है इसकी बहन थी सुबह चाय बनाने के लिए लकड़ी निकालने गई, वहाँ पर इस सांप ने उसको काटा और जब मुझे पता चला सर आए और इसको रेस्क्यू किया। सबको यही मैसेज है कि अब जो हो गया गुड़िया की जान चली गई है, लेकिन अब उसके आगे क्या करना चाहिए हमें कि पोस्टमार्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गरीब घर की थोड़ी सहायता हो सके, और मेरा सबको यही निवेदन है कि संभल कर काम करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास का बच्चों का सबका ध्यान रखें कि साफ वगैरह इकट्ठे ना हो पाते, तो अगर हो कोई देखे तो सर को फ़ोन करें, तुरंत ही इनका नंबर हम वीडियो में दे देंगे, इनको फ़ोन करें और इनको बुलाकर वो सांप को रेस्क्यू करवाया जाए ताकि इनकी भी जान बची जा सके और इनको मारना नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ जी, देखो जो कि झाड़कों के यानी जो करते हैं कि इस सांप के काटने से कि कोई झाड़कों से बच सकता है,
नहीं सर, मेरा मानना यही है क्योंकि मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ रोज, यूट्यूब पर भी इतना कुछ बताते हैं सभी स्नैक मेकर जो इतने इतने नॉलेज देते हैं, हमें सबको ये यूट्यूब पर देखना चाहिए कि इस सांप के किस सांप के काटने से, पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए किस सांप के काटने से कौन सा मतलब जहर होता है और कितने टाइम में हमें मतलब क्या जहर काम कर जाता है और हमें डेथ हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी जो सही ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, ना कि झाड़ फूड के चक्रों में पड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज जो कि एक दुखदायक घटना हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होना था क्योंकि जो कि झाड़फूंक के चक्करों में इन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया था, लगभग 2 घंटे इन्होंने मिस किए और लड़की की जान भी बच सकती थी। तो ऐसा आप ना करें, किसी झाड़फूंक के चक्करों में ना पड़े और आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए ताकि किसी की जान ना जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक में सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों के बारे में आपको अधिक जानकारियाँ मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से इन जानवरों को अधिक से अधिक बचा सकें और इंसानों को भी बचा सकें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।